पंडवानी के पितामह झाड़ू राम देवांगन की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिला देवांगन समाज द्वारा सभी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का किया गया सम्मान। देवांगन समाज के गौरव पांडवानी के पितामह श्रद्धेय झाड़ू राम देवांगन की पुण्यतिथि पर दुर्ग जिला देवांगन समाज के तत्वाधान में रविवार को दुर्ग के झाड़ू राम देवांगन शासकीय बहुउद्देशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के सभी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करने सभी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों से जिन्होंने इस शैक्षणिक सत्र में CBSE या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा 10वीं बोर्ड में 85% और 12वीं बोर्ड में 80% एवं अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही अन्य विधा या खेलकूद कला में राज्य स्तरीय भाग लेने वाले सभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे और उन्होंने समाज के प्राधिकारी और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। जीवन एक ऐसे कठिन विधारा अपना के जहां एक ओर देवांगन समाज के नाम ला तो रोशन करी से साथ ही साथ पंडवानी ला भी एक चरम ऊंचाई में पहुंचाए के काम सदैव झाड़ू राम देवांगन जी करे। इस क्षेत्र में उनका जिन योगदान है तेन अविस्मरणीय है, बहुत ही उल्लेखनीय है। आज भी सैकड़ों का शिष्य बन पूरा प्रदेश में, देश में, विदेश में ये विधारा सब जन के सामने प्रस्तुत करके एक प्रस्तुति देवत और प्रस्तुति दे के एक प्रकार से झाड़ू राम देवांगन जी का श्रद्धांजलि भी अर्पित करत। आज ये उगर नाम से ये संस्था के प्रांगण में हम बैठे हैं तो ऐसे महसूस हुआ थे कि हमारे जिला देवांगन समाज के साथी मन जिन आयोजन करे है तो ये भव्य आयोजन के कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में हम सबके बीच में झाड़ू राम जी यहाँ उपस्थित है। अहमला आशीर्वाद देवा थे, विशेषकर देवांगन समाज ला आशीर्वाद देवा थे कि समाज में ये प्रकार से आयोजन करके देवांगन समाज के जैन पुराना इतिहास है सब पर काम और सबके सेवा के ये दिशा में दुर्ग जिला देवांगन समाज काम करत है। वहीं सम्मान समारोह के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग जिला देवांगन समाज के अध्यक्ष पुराणिक राम देवांगन ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों के उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन की दिशा में समाज का अनुपम प्रयास है। इसमें निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले न केवल देवांगन बल्कि सभी समाज के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। कहना चाहूँगा कि जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उसको इग्नोर करते हुए सकारात्मक दृष्टि रखते हुए अपने विजन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो लक्ष्य है उस पर बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों के कुछ डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे वजह हैं, जैसे कई बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती है। तो उसके कुछ जैसे मुख्य कारण है, जो मेन मोटा मोटी कारण है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देवांगन समाज ने झाड़ू राम देवांगन की पुण्यतिथि पर न केवल अपने समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया बल्कि अन्य समाज के बच्चों का भी सम्मान करके एक मिसाल कायम की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।